तो पूरी दुनिया में 5G हो रहा है। यूएस, यूके, जर्मनी, दोस्तों जापान, सारी की सारी दुनिया 5G के लिए जा रही है और भारत में भी 5G के ट्रायल्स ऑफिशियली यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। एयरटेल, वीआई, जियो 5G ट्रायल स्टार्ट करें, यहाँ तक कि हमारी सरकारी कंपनी एमटीएनएल भी सीडेट के साथ मिलकर दोस्तों यहाँ पे अपनी 5G ट्रायल स्टार्ट कर चुकी है। 5G आने में दोस्तों फिलहाल 3 से 6 महीने लग सकते हैं। 2022 की शुरुआत तक आपको 5G देखने को मिलेगा, लेकिन 5G स्मार्टफोन्स भारत में 2021 की शुरुआत से दोस्तों आना चालू हो चुके हैं। जनवरी से ही सारी चाइनीज कंपनीज और बाकी सारी कंपनीज दोस्तों मोटोरोला और बाकी सारी कंपनीज असूस वगैरह सबके सब 5G फोन्स लेके आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों आज एक बड़ा स्टेटमेंट निकल गया यहाँ पे सुनील भारती मित्तल दोस्तों एयरटेल के मालिक का, जिनके हिसाब से फिलहाल दोस्तों 5G फोन जो यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे भारत के अंदर वो एक स्पेसिफिक बैंड को सपोर्ट करते हैं, वो सारे के सारे बैंड्स को सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब दोस्तों 5G फोन स्कैम हो रहा है क्या भारत में? दोस्तों ये स्कैम तो नहीं, लेकिन कुछ अलग तरह की चीजें हो रही है और शायद तक ये कंपनियां दोस्तों एक अलग तरह के धर्रे पे काम कर रही, जिसके हिसाब से फ्यूचर में हो सकता है कि आपके पास 5G फोन तो हो लेकिन वो स्पीड आपको ना मिले जो कंपनियां देना आपको चाहती है। क्या दोस्तों पूरी की पूरी स्टेटमेंट, क्या बोलना चाहते हैं दोस्तों भारती मित्तल जी, उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त सुनील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं 5G स्मार्टफोन्स भारत में 2021 की जनवरी से ही, 2021 की शुरुआत से ही दोस्तों 5G फोन्स बिकना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन आप सभी जानते हैं 5G के अलग अलग बैंड्स होते हैं फ्रेंड्स, जिस पर्टिकुलर बैंड पे यहाँ पे भारत में 5G लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, हालांकि बात की जाए तो सारी की सारी कंपनी यहाँ पे, जैसे एयरटेल ने सबसे पहले स्टार्ट किया था हैदराबाद में अपने 4G स्पेक्ट्रम को, 1800 MHz खास करके प्रीमियम बैंड बोला जाता है 4G के लिए, इसी को रिफार्म करके 5G की स्पीड दी थी ऑलमोस्ट 450 MBPS। यस, लेकिन अगर प्रीमियम पूरी दुनिया की बात कर लिया तो ये कुछ अलग बैंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3300 हो गया, 3600 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड हो गया। इस पर्टिकुलर दोस्तों स्पेक्ट्रम को ही यहाँ पे कंपनियां परचेस करती है जिसको 5G यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा बैंड होना चाहिए यूनिवर्सली, 5G जो फोन होते हैं वो मल्टीपल बैंड्स को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। यस, जिससे कंपनी आराम से हर एरिया के अंदर आपको मैनेज करके अच्छी खासी स्पीड यहाँ पे दे दे। लेकिन यहाँ पे सुनील भारती मित्तल का एक स्टेटमेंट निकल गया जिसके हिसाब से दोस्तों भारत के अंदर एक नया कानून आना चाहिए और जो कंपनियां यहाँ पे धड़ल्ले से भी 5G फोन बना रही है, ये फोन शायद तक आपको आने वाले टाइम में काम ना आए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं एयरटेल टू डीओटी को दोस्तों भारतीय एयरटेल ने यहां पे बोला कि मेक गाइडलाइंस फॉर 5G डिवाइसेस टू सपोर्ट ऑल स्पेक्ट्रम बैंड्स। गाइडलाइंस डीओटी, भारत सरकार को ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि जो नए डिवाइसेस आ रहे हैं 5G के, खास करके हैंडसेट फोन्स, उसके अंदर एक ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि वो जो फोन है वो सारे के सारे बैंड्स को सपोर्ट करें। ये इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि फिलहाल जो स्पेसिफिक फोन यहां पे लॉन्च किए जा रहे हैं वो स्पेसिफिक 200 बैंड्स को सपोर्ट करते हैं और ये नहीं होने वाला कि एक पर्टिकुलर बैंड पे ही सारी टेलीकॉम कंपनीज काम कर रहे हैं। कंपनियां दोस्तों मल्टीपल स्पेक्ट्रम में, मल्टीपल डायनेमिक स्पेक्ट्रम को यूज करके, DSS दोस्तों टेक्नोलॉजी को यूज करके यहां पे आपको 5G देने वाली है। कंपनी ओवरऑल दोस्तों कमाना यहां पे चाहती है, आपको महंगे से महंगा एक स्पेक्ट्रम परचेस करके नहीं, यहां पे ऑलमोस्ट सारी चीजों को यूटिलाइज करके आपको अच्छी स्पीड देना चाहती है। वो तब होगा जब आप सारे के सारे स्पेक्ट्रम को यहां पे यूज करें, अलग अलग सेगमेंट के स्पेक्ट्रम को यूज करें। लेकिन ये जो फोन आ रहे हैं वो स्पेसिफिक दोस्तों हाई एंड स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों यहां पे सुनील भारती मित्तल ने डीओटी को बोला कि जल्द से जल्द आपको यहां पे ऐसी गाइडलाइन बनानी चाहिए। भारतीय एयरटेल हैज रिटन एक लेटर दोस्तों ड्यूटी को यहां पे लिखा, यहां पे फॉर्मुलेट द गाइडलाइंस टू मैंडेटिंग दैट द न्यू 5G डिवाइस लॉन्च और सोल्ड इन इंडिया मस्ट सपोर्ट एग्जिस्टिंग बैंड्स 5G इन द कंट्री। जितने भी दोस्तों एग्जिस्टिंग बैंड अभी फिलहाल यहाँ पे चल रहे हैं भारत के अंदर, वो सारे के सारे बैंड्स को जो नए फोन आ रहे हैं वो सपोर्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रीमियम भी बैंड सपोर्ट करेगा, सारा का सारा सपोर्ट होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की दोस्तों रिपोर्ट निकल गई, आल्सो एयरटेल हाइलाइटेड दैट द न्यू डिवाइस शुड सपोर्ट डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग DSS टेक्नोलॉजी को दोस्तों ज्यादातर एयरटेल यहां पे यूज कर रहा है, VI भी यहां पे यूज करता है। DSS टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है यहां पे डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग, यानी जो 4G का भी स्पेक्ट्रम होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो हैदराबाद के अंदर यहां पे जो एयरटेल ने किया था वो यही था, DSS 200 टेक्नोलॉजी को यूज किया था, 1800 MHz को दोस्तों यहां पे डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग को यूज करते हुए यहां पे 5G की स्पीड दी थी ऑलमोस्ट 450 MBPS। वैसा दोस्तों, लेकिन अगर बात कर ली जब अभी फिलहाल यहां पे जो फोन्स आ रहे हैं वो इस पर्टिकुलर बैंड को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए दोस्तों उन्होंने लिख के दिया है कि जो आने वाले टाइम के अंदर ऐसा डीओटी को गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि सारे के सारे प्रीवियस जो हैं पहले वाले बैंड्स और जो आने वाले बैंड्स, सारे के सारे स्पेक्ट्रम को, सारे के सारे बैंड्स को ये 5G फोन सपोर्ट करने चाहिए, तभी एंड यूजर आप और मेरे जैसे लोग पूरी तरह से 5G का मजा उठा सकेंगे। ये भी दोस्तों बताया जा रहा है कि यहां पे जो फोन आने वाले हैं उन्होंने बताया कि डिवाइस जो होने चाहिए वो DSS स्पेक्ट्रम शेयरिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने चाहिए, ड्यूअल
सेम हैंडसेट जो होंगे, दोनों के दोनों दोस्तों यहां पे 2G 3G 4G बहुत स्लॉट में सपोर्ट करना चाहिए। कितने कितने फोन्स के अंदर एक तो आपको सपोर्ट करता है, दूसरा सपोर्ट नहीं करता, तो दोनों के दोनों सिम स्लॉट, क्योंकि मोस्टली 99% फोन्स अभी भारत के अंदर ड्यूअल सिम आते हैं, तो दोनों स्लॉट यहां पे 2G 3G 4G को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम प्योरली 5G पे नहीं जाने वाले। फिर से बता दूं, जब 5G भारत में लॉन्च होगा 2022 की शुरुआत में, शायद तक आपको पूरे भारत में 5G मिलते मिलते 3 से 4 साल लगेंगे। तो ये तो सोचना ही मत कि आज 5G हुआ और कल से 2G 3G सब कुछ बंद हो जाएगा, नहीं। इसलिए 2G 3G सपोर्ट भी करने चाहिए फोन, नहीं तो आपने 5G फोन ले लिया सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में 5G चल रहा, तो अगर आप बाहर चले गए तो किसी काम का नहीं। तो यहाँ पे DSS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए, डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग, अगर 5G नहीं तो 4G पे, 4G नहीं तो 3G या 2G, मतलब आपको उस तरह से यहाँ पे वेरी करना चाहिए, आपका फोन सारे बैंड सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा दोस्तों यहाँ पे भारतीय एयरटेल के जो मालिक है मित्तल जी का, उनका मानना है करेंटली मेजोरिटी 5G स्मार्टफोन लॉन्च बाय द डिवाइस मेकर्स इन इंडिया सपोर्ट्स 3.5 GHz बैंड ओनली। उनका सबसे बड़ा स्टेटमेंट निकल के कि मेजॉरिटी जितनी भी चाइनीज कंपनीज और बड़ी-बड़ी कंपनीज 5G फोन्स फिलहाल यहां पे अभी लॉन्च कर रही भारत के अंदर, मेजॉरिटी फोन्स 3.5 GHz का दोस्तों यहां पे बैंड सपोर्ट कर रही, जो एक प्रीमियम बैंड बोला जाता है। यस, लेकिन 5G सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड यूजिंग मल्टीपल एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी बैंड एंड द न्यू रेडियो इंटरफेस। दोस्तों 5G सर्विस जो है जरूरी नहीं कि इस पर्टिकुलर बैंड पे ही होगा, ये हम सारे के सारे स्पेक्ट्रम को यूज करके अलग-अलग बैंड्स पे यूज करेंगे, इसलिए स्पेसिफिक एक बैंड को ना करते हुए सारे के सारे बैंड्स को सपोर्ट करें, ऐसे स्मार्टफोन बनाना चाहिए कंपनियां। दोस्तों अपना पैसा बचाने के चक्कर में जो स्मार्टफोन कंपनीज है एक पर्टिकुलर बैंड आपको दे देगी और बोल देगी 5G है, लेकिन वो सारे बैंड्स को सपोर्ट करता है ये देखने वाली चीज है। इसलिए उनका कहना है DoT से एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनाइए, जिससे सारे की सारी जो फोन बनाने वाली कंपनी, डिवाइस बनाने वाली कंपनी, वो सारे के सारे स्पेक्ट्रम, सारे के सारे बैंड को सपोर्ट करे अगर वो 5G फोन लॉन्च करते हैं तो। इन द स्पेक्ट्रम ऑक्शंस कंडक्टेड बाय द टेलीकॉम डिपार्टमेंट मार्च में जो दोस्तों यहाँ पे DoT की सेल लगी थी, वहां पे ज्यादातर दोस्तों 700 मेगाहर्ट्ज की बात चल रही थी, जो खास करके 5G के लिए फ्यूचर में यूज किया जाएगा, 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड। यस, तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे जो कंपनियां हैं 5G हैंडसेट बनाने वाली कंपनी, उनको अपने फोन उस तरह से बनाना चाहिए, बल्कि अभी जो फोन लॉन्च हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3.5 मेगाहर्ट्ज के प्रीमियम बैंड को सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है ये फोन फ्यूचर के अंदर हर जगह आपको 5G ना दे सके, क्योंकि ये DSS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, ये लोअर बैंड की जो दोस्तों 5G होगी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये प्रीमियम को सपोर्ट करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ मेट्रो सिटीज में आपको देखने को मिले। इस चिंता को लेते हुए दोस्तों यहां पे सुनील भारती मित्तल ने DoT को दोस्तों यहां पे पत्र लिखा, यहां पे बोला कि DoT को जल्द से जल्द ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि जितनी भी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी से फोन बनाने वाली कंपनी है वो अपने 5G फोन्स को मतलब मल्टीपल स्पेक्ट्रम मल्टीपल बैंड्स के साथ यूज कर सके दोस्तों, तब जाके ये सही मायनों में 5G होगा। अदरवाइज 5G भारत में दोस्तों पूरी तरह से आते आते आपको 5 से 7 साल यहां पे लग सके, क्योंकि भारत में एवरेज बंदा जो है फोन चेंज करता वो 2 साल लगाता है। एक अगर नया फोन आपने लिया तो 2 साल के बाद ही आप एक नया फोन लेने के बारे में सोचेंगे, तो ये सारे पंगे दोस्तों हो सकते हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है, कंपनीज को क्या करना चाहिए और क्या 5G यूनिवर्सल होना चाहिए सभी के लिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। और वीडियो को अच्छा लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेट अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जरूर दबा दें, इसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास देखिए एक घंटे का बटन है उसको जरूर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले, तो प्लीज बोले बिना इस घंटी के बटन को जोर दबा देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।